हिमाचल में सियासी संकट के दौरान दिल्ली गए विक्रमादित्य सिंह एक दिन पहले हिमाचल लौट चुके हैं। हालांकि उन्होंने अब भी ये साफ नहीं किया है कि उनका अगला रुख क्या होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि विक्रमादित्य सिंह के तेवर अभी भी बरकरार हैं। कहा कि हाई कमांड, अल्टीमेटली तो हाई कमांड ही डिसाइड करेगा ना। सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कॉल हैज टू बी टेकन बाय द हाई कमांड। मैं तो उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे को तो आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का मैंने सीधा सीधा उत्तर आपको दे दिया कि हमें जो जिम्मेवारी दी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूँ और स्पष्ट तरीके से आपसे जो है वो चर्चा कर रहा हूँ। और ये भी कह सकता हूँ कि मैं जो है जो भी होगा मैं खुले दिल से और साफ तरीके से करता हूँ। ये मैं बिल्कुल साफ सदे से करता हूँ। जो भी मैं बोलता हूँ ना खुले रूप से बोलता हूँ, है ना। मन में मेरा कोई मैल नहीं है, तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है और एड्रेस मैं करवा के भी रहूँगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूँगा और आगे बढ़ेंगे। मैंने कह दिया जो मैंने कहना था कि मैं वहाँ गया, जो जिम्मेवारी थी वो की, अब करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया, जो पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसका भी निर्वहन किया। तो दोनों चीज़ों का निर्वहन कर रहे हैं, बाकी ईश्वर खड़ा है। देखिए ऐसा है कि कुछ बातें मीडिया में होती है, कुछ बातें मीडिया से पीछे पर्दे के पीछे होती है, पर यह है कि मैं जो बात करता हूँ वो पूरा ठोक बजा के करता हूँ। तो जो भी यथास्थिति है उसके बारे में हाईकमांड को जागरूक करवाना ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा करी और उसके पश्चात हमारे जो ऑब्जर्वर्स हिमाचल में आए थे, डीके शिव कुमार जी जो उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, और जो हमारे हुडा साहब है और बघेल साहब है, उनसे भी मैंने बड़ी लंबी चर्चा करी है। उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी थी उसके तहत हमने सबसे संपर्क साधा, बात करी है, और अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्या उसका जो है वो परिणाम निकलता है। मैं कह चुका हूँ जिससे मैंने मिलना था, मुझे आधिकारिक रूप से भेजा गया था, बात करी है। जो बात उनकी दिल्ली कहनी थी वो दिल्ली कही है, जो दिल्ली की बात वहाँ कहनी थी वहाँ कही है। अब उस बात में मैं ज़्यादा मीडिया में बात करना संभव जो है उसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। पत्रकारों से रूबरू हुए विक्रमादित्य सिंह ने ये भी कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली थी वो उन्होंने बखूबी निभाई। That the responsibility that has been given to me, उसका सामूहिक तरीके से निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश के हर कोने का, चाहे वो चंबा है, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो ऊना है, हमीरपुर है, सिरमौर है, शिमला है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास हो, इस दृष्टि से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह बर्खास्त विधायकों की वापसी पर भी बोले और कहा कि राजनीति में कभी भी हमेशा के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। राजनीति में सब संभव होता है, कुछ प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है, कुछ और चीज़ें भी होती है। तो अब तो हम भी अभी राजनीति सीख ही रहे, ऐसा नहीं है, पर काफ़ी चीज़ हमने भी अपने पूर्वजों से सीखी है और कई चीज़ें ऐसी पहले भी आई। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति पहली बार हिमाचल में ऐसी बनी है, हो सकता है कि इस सर्कमस्टांसेस में पहली बारी बनी हो, मगर ऐसी स्थितियां तो बहुत बारी प्रदेश के अलग अलग कोनों में, देश में आती है। तो राजनीति में कभी भी कोई दरवाजे खुले नहीं होते और हमेशा के लिए कभी कोई दरवाजे जो है वो बंद नहीं होते हैं। स्थिति बनना और उसको बिगड़ना यही राजनीति है, तो ये तो आप आगे आने वाले समय में देखते रहेंगे। खैर, विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के मायने क्या है? क्या बर्खास्त विधायकों पर हाईकमान का रुख नरम हो सकता है? क्या मान मनोबल का दौर एक बार फिर शुरू हो सकता है या फिर आगे कोई और उठापटक हो सकती है? शिमला से अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।